सत्यकाल। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? काम में चाहिए अंकल जी, हमें लेबर चाहिए बोरियां ढोने के लिए। आपसे थोड़ी ना होगा ये काम। नहीं, वो तो मैं मांग भी नहीं रहा था, पर लड़का मेरे लायक। तो ये हिसाब किताब में भी मैं अच्छा हूँ। वो तो मेरे बाबूजी ही देखते हैं। हेलो पंकज सर, एक बार फिर आपका स्वागत है जस्ट शोबिज़ में। तो सर, ये आखिर क्या सीन चल रहा है? कहीं दारजी जॉब मांग रहे हैं तो कहीं हम बीजी को भी भटकते हुए देख रहे हैं, तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? ये भी बहुत परिवार, जैसे अब देख ही रहे हैं कि परिवार बिगड़ गया है, परिवार पूरा टूट गया है। सरदार सरदारी दोनों परेशान हैं। सरदार जी ने बीजी को वादा कर दिया कि तू चिंता मत कर, मैं परिवार को टूटने नहीं दूंगा, मैं करूँगा, सब संभालूंगा, समझदारी से काम लूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा। और अब हवेली बिक गई है, राणे ने हवेली बेच दी है। मान को पैसों की सख्त ज़रूरत है। वो कहता है कि मैं अगर मेरे पर पैसा होता मैं अमेरिका चला जाता, वहाँ जाके काम करता, फिर यहाँ की समस्या दूर करता। तो सरदार जी अब काम ढूंढ रहे हैं इस उम्र में, जगह जगह जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए, लेकिन उनको कोई काम पर रख नहीं रहा। जी जी जी। कोई ना कोई कारण, जैसे सरदार जी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है जी, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो फाइनली वो एक ट्रैक्टर ठीक कर देते हैं। अच्छा, फटाफट चुटकियों में तो गैरेज वाला बोलता है कि आप मेरे गैरेज में काम करते हो, तो सरदार जी गैरेज में काम करें। जी, जैसे कि सर हम शो में देख रहे हैं आप ट्रैक्टर ठीक करते हैं, बट क्या आप कभी ट्रैक्टर की सवारी पर घूमे हैं खेतों में कहीं भी? हाँ, काफी बार शूटिंग की है ट्रैक्टर में, बैठ के भी की है खेतों में। जी जी। ओके सर, जाते आते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में? देखते रहिए दिल्ली अगला संजीव, और आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सो मच सर। अंकल जी, हमें लेबर चाहिए ओरियां ढोने के लिए। आपसे थोड़ी ना होगा ये काम। वो तो मेरे बाबूजी ही देखते हैं। ओके। सत्यकाल। अरे आप पूछोगे नहीं, बोलिए।